हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल फाइन. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, व्हाट आर यू लुकिंग? आई थिंक यू कैन गेस बाय द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस. फर्स्टली, व्हाट इज दिस? दिस इज बॉल. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बस. And what is this? This is balloons. So means समझ गए होगे कि हम इस वीडियोज़ में क्या सीखने वाले हैं. ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ द This is ball and this is balloons and this is bus. So means letter start करने से पहले always show the pictures to your child. उससे क्या होगा कि picture से recognition बहुत अच्छा होता है, उन्हें समझ में आता है कि ये क्या है. और generally ये चीज़ें उन्होंने अपने daily life में देखी हुई होती हैं तो easily identify कर लेते हैं और उनके mind में वो feed होता है कि हाँ ये बस है, कि हम ट्रेवल करते हैं. दैट टाइम वी कैन गो समवेयर एल्स बाय द हेल्प ऑफ द बस. हाँ, वी कैन प्ले बाय द हेल्प ऑफ द बॉल. ओके, एंड सेम थिंग्स विद द बलून. तो हमेशा पिक्चर्स दिखाते हुए बच्चों को लेटर सिखाना है. तो आज के इस लेटर में हम सीखेंगे हाउ टू मेक कर्सिव लेटर बी. ओके, सो दिस इज cursive letter B, cursive B, and this is simple B. And you can say in funny way, mama B and baby B. Okay? Okay, so let's start. So, this is also a, as you can see here, this is also a upper line. कर्सिव स्ट्रोक्स मीन्स अपर की थ्री लाइन्स में बन रहा है, तो मीन्स दिस इज अपर लाइन कर्सिव स्ट्रोक्स जो कि अपर की थ्री लाइन्स में बनेगा. सो लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड लाइन एंड टचिंग टू द फर्स्ट लाइन एंड कम बैक टू द थर्ड लाइन. ओके, एंड दिस इज अ ट्रेसिंग पैटर्न जो कि मैं मेरे हर वीडियोस में बताती हूँ कि आपको पहले ट्रेसिंग ज़रूर करवाना है. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द लेटर. मींस डायरेक्ट नहीं बनाना है पूरा. फर्स्टली व्हाट विल टीच टू द स्टूडेंट्स, क्या बताना है उनको कि जस्ट मेक अ स्ट्रोक, अपर लाइन स्ट्रोक लाइक दिस. Starting from the third line, touching to the first line and come back to the third line, then finish it. Then second process, अब हम उसको पूरा बनाना बता सकते हैं. How? Let's see. Firstly make a L, then टचिंग टू द सेकेंड लाइन एंड मेक अ कर्व टू द राइट. ठीक है, समझ आया? मीन्स उसने जब ये बना लिया है तो वो इसको ईजिली बना सकेगा. फिर से स्टार्ट करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड लाइन, थर्ड से थोड़ा सा ऊपर से. ठीक है, एंड देन टचिंग टू द फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन मीन्स जो अपर साइड की फर्स्ट लाइन होती है. देन कम अगेन टू द सेकेंड लाइन and complete it. ठीक है, ये सिंपल ट्रेसिंग है तो अगर आप डॉट डॉट देंगे तो आसानी से बना लेगा ये. ठीक है, अब बिना ट्रेसिंग के बनाना है तो कैसे बनाना है? फर्स्टली आपको स्टूडेंट को बताना है, आपके चाइल्ड को बताना है कि फर्स्टली मेक दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक. सो वन डे आपको एटलीस्ट यही प्रैक्टिस कराना है
ये, ठीक है, लाइक दिस, यही प्रैक्टिस कराना है। और जैसा कि मैंने आपने पिछले वीडियोस उसमें कर्सिव भी बताया था, वहाँ भी बोला था कि इट्स डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स माइंड, ऑन देयर एबिलिटी, कि अगर आपको लगता है कि वन डे में ही कंप्लीट कर सकते हैं तो यू कैन गो फर्दर, ओके। देन जब ये बन जाता है देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है लाइक दिस एंड मेक अ कर्व एंड मेक अ कर्व टू द राइट, ये आपका बी हो गया। थोड़ा सा गैप रखना है आपको बनाते हुए, फिर से बता देती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड लाइन, ओके, थर्ड से थोड़ा सा ऊपर से लाइक दिस एंड मेक अ एल एंड अपर साइड एंड मेक अ कर्व टू द राइट, ठीक है, समझ आ गया कैसे बनाना है। वंस अगेन ये देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ वहाँ बनेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, छोटे बच्चे हैं, बनाना सीख रहे हैं, अगर थोड़ा सा यहाँ वहाँ भी बनेगा तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ टाइम की प्रैक्टिस में वो बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड लाइन, टचिंग टू द फर्स्ट लाइन, कम अगेन टू द थर्ड लाइन, ओके, देन गो बैक टू द सेकेंड लाइन, यहाँ देन मेक अ कर्व, मेक अ ट्विस्ट टू द राइट, ठीक है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, इसको बनाना है इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब आपको लगता है जैसे ये कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आप अगले प्रोसेस में उनको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, कैसे, देखिए, फर्स्टली मेक अ लेटर बी एंड देन लीव इट, ठीक है। ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, जहाँ पर लेटर एंड हुआ वहीं से फिर से कनेक्ट कर देना है, यहीं से अपर साइड, ठीक है। ये आप चाहें तो बता सकते हैं, अगर आपको लग रहा है तो उसको स्किप करके जब अच्छे से प्रॉपर बन जाए उसके बाद आप इसको सिखा सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन मेक अ लेटर बी कर तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना है, प्रैक्टिस करवाने के बाद में दे कैन इजीली मेक इट, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, कर्सिव लेटर बी एंड दिस इज कैपिटल लेटर बी। कैपिटल लेटर मैं क्यों साथ में बता रही हूँ, ताकि कैपिटल लेटर उनको अच्छे से लर्न है, दे नो वेरी वेल अबाउट द लेटर बी और ऑल कैपिटल लेटर्स एक्चुअली, क्योंकि वो उन्होंने पहले सीखा हुआ है तो वो जान पाएंगे कि दिस इज अ कैपिटल बी एंड दिस इज अ कर्सिव लेटर बी, ओके, तो इसका ये प्रॉफिट है। चलिए तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब हमने बी बनाना सीख लिया है तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी प्लान कर लेते हैं, एंड आई लव एक्टिविटी एंड ऑल्सो स्टूडेंट ऑल्सो लव एक्टिविटी, क्योंकि ये उनको टफ लगेगा लेकिन एक्टिविटी उनको बहुत पसंद आती है और उसके थ्रू वो जल्दी सीख भी पाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं कि आज की एक्टिविटी क्या है, लेट्स सी एक्टिविटी टाइम, ओके, फिल द लेटर बी, ठीक है। लास्ट टाइम कर्सिव वे में मैंने सर्कल द लेटर ए करवाया था, लेकिन इसमें मैंने फिल द लेटर बी एक्टिविटी प्लान किया है। आप ऐसी एक्टिविटीज़ आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, हिंदी, मैथ्स, किसी के लिए भी प्लान कर सकते हैं, कुछ भी प्लान कर सकते हैं। आई मेड हेयर एप्पल्स एंड बलून्स, ओके, यू कैन मेक व्हाटएवर यू वांट, जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए, ओके।